नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। 4 सितंबर 2024 को सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक बंद रहेंगे। इस बार सितंबर में भारत के सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक कुल 15 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं। इन छुट्टियों में सभी रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार भी शामिल है। अब बुधवार को बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर आधारित डिब्बों में यात्रा पर रोक लगा दी है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। नए नियम के तहत वेटिंग टिकट वाले यात्री अब एसी और स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे, भले ही टिकट स्टेशन से ही क्यों न खरीदी गई हो। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें आवेदनकर्ताओं को परपत्र 2 और परपत्र 3 एक निदेशालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर भरना होगा। दस्तावेजों की जांच के लिए आवेदन शिविर कार्यालय में जमा करना होगा और मृतक मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा और उनकी पत्नी कुमौदी लोढ़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग का केस दर्ज किया है। इस मामले में ईसीआईआर भी दर्ज की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालतों में 4.5 करोड़ लंबित मामलों के संदर्भ में खाली पदों को जल्दी भरने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की भर्ती प्रक्रिया और क्षेत्रीय चयन की संकीर्णता को समाप्त करने की बात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी पेंडिंग केस और तारीख पर तारीख की संस्कृति को बदलने की बात की। बिहार के नालंदा जिले में सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान 39 नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों के फर्जी प्रमाण पत्र सामने आए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से की गई विभागीय जांच में ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। इसके बाद सभी दोषी अभ्यर्थियों की नौकरी समाप्त कर दी गई है। भारतीय रेल ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली जोड़ी तैयार कर ली है, जिसकी झलक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिन साझा किया था। अगले 10 दिनों में इस ट्रेन का परीक्षण शुरू होगा और इसे 3 महीने में आम लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज सेंसर बोर्ड के फैसले के बाद टल गई है, जिसमें कई दृश्यों को हटाने का निर्देश दिया गया है। फिल्म के खिलाफ विवाद बढ़ने के बीच 2 सितंबर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन की अदला बदली और पारिवारिक बंटवारे के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज अनिवार्य होंगे। मौखिक समझौते मान्य नहीं होंगे। रजिस्टर्ड दस्तावेज के अभाव में हथियार मौजूदा मालिक के नाम पर ही बनेगा। सौ घोषणा के समय सर्वे अधिकारियों को भूमि से सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। मौसम विभाग ने बताया है कि सितंबर में लाल निशान के एक्टिव होने की संभावना है, जिससे इस साल भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। लाल निशान के प्रभाव से मॉनसून प्रभावित हुआ, लेकिन सर्दियों के मौसम में इसके असर से दिसंबर के मध्य से जनवरी तक अत्यधिक ठंड की आशंका है। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ी योगेश कथोरिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में 44.22 मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता। ये लगातार दूसरा पैरालंपिक है जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। उनकी इस सफलता में उनकी मां की अहम भूमिका रही है। एम्स प्रशासन ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विकास सत्यापन और कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पर चर्चा की। इस बैठक में एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास समेत कई विशेषज्ञ शामिल हुए। केंद्र का उद्देश्य चिकित्सीय उपकरणों का उन्नयन और मरीजों को बेहतर निदान प्रदान करना है। टीएमसी सांसद कृति झा आजाद की पत्नी पूनम आजाद का अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। कृति झा आजाद ने सोशल मीडिया पर इस दुखद समाचार की जानकारी दी है। बता दें, कृति झा बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं, पूर्व क्रिकेटर भी हैं।
बेंगलुरु पुलिस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी और भारतीय न्यूज पोर्टल की महिला स्टाफ अदिति के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायतकर्ता श्रीनिवास जी ने आरोप लगाया कि चौधरी ने सोनिया गांधी को विदेशी जासूस बताते हुए सोशल मीडिया पर गलत सूचना साझा की। बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कंगना रनौत की फिल्म से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सांसद बनने से कोई लीडर नहीं बन जाता और हर एमपी या एमएलए स्वाभाविक लीडर नहीं होता। इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बजाज ने अपने नए चेतक बुलू 3202 इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में 1.15 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। इस स्कूटर की सिंगल चार्जिंग में 137 किलोमीटर की रेंज देने का दावा किया गया है। कंपनी ने बुकिंग शुरू कर दी है जिसमें ग्राहक 2000 रुपए की टोकन राशि देकर इसे बुक कर सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और कर्णप्रयाग ग्वालधाम सड़क भूस्खलन के चलते बंद हो गई है। सिमली के गधेरे के मलबे से कई घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र ने मलबा हटाकर मार्ग को फिर से यातायात के लिए खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सेबी प्रमुख माधवी बुच के हितों के टकराव के आरोप लगाते हुए पीएम मोदी से स्पष्टीकरण की मांग की है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि बुच सेबी के पद पर रहते हुए ICICI बैंक में भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वे इन गंभीर सवालों को नजरअंदाज कर रही है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अवैध ई रिक्शा पर शिकंजा कसते हुए 114 ई रिक्शों को बुराड़ी में क्रस कर दिया। ये कार्रवाई उन ई रिक्शा के खिलाफ की गई है जिनके पास ना तो लाइसेंस है और ना ही परमिट है। विभाग की ये पहल सड़क सुरक्षा और अवैध संचालन पर नियंत्रण लेने के लिए उठाई गई। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी और एनडीए पर हमला बोलते हुए बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे का एक वीडियो साझा किया। उन्होंने वीडियो में विधायक के मस्जिदों में हिंसा की धमकी देने के आरोप लगाए जिसे बीजेपी और एनडीए के लिए खतरनाक बताया। तेजस्वी ने इस मुद्दे को संविधान और कानून की अवहेलना करार दिया। चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर ICICI बैंक से नियमों का उल्लंघन कर 2017 से 2024 के बीच 16 करोड़ रुपए से अधिक सैलरी लेने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर सवाल उठाते हुए बुच के बारे में गहराई से जांच की मांग की है। उन्होंने बुच को एक शतरंज की खिलाड़ी करार देते हुए उनकी भूमिका पर संदेह जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर 6 लेन हाईवे में दोनों ओर एक एक लेन इमरजेंसी और जन सुविधा के लिए खोलने का आदेश दिया। कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों के मुद्दों पर विचार करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। हरियाणा और पंजाब ने इस समिति के गठन पर अपनी सहमति जताई है। IPCC की हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बढ़ते जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2030 तक दुनिया के कई प्रमुख शहर जैसे कि एमस्टर्डम, न्यू ऑर्लियंस और वेनिस समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण डूब सकते हैं। इसके अलावा हो ची मिन सिटी, बैंकॉक और माले भी इस खतरे के जद में है। विशेषज्ञों का कहना है कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि इन शहरों को सुरक्षित किया जा सके। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुर्मी समाज की तुलना में ब्राह्मणों की आबादी अधिक है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि उनकी पार्टी में 18% मुसलमानों को पद और टिकट मिलेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में 829 से अधिक आम आदमी क्लिनिक शुरू किए गए हैं जिनमें 1 करोड़ से अधिक लोग इलाज करा चुके हैं। इन क्लिनिकों में 80 प्रकार की दवाएं और 38 प्रकार के डायग्नोस्टिक परीक्षण मुफ्त उपलब्ध हैं और IT का उपयोग मरीजों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सरकार जनता के धन को उनकी भलाई पर खर्च कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से BRS नेता की कविता को जमानत देने को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सफाई मांगी है। रेड्डी ने इस राजनीतिक डील करार दिया था जिसके बाद कोर्ट ने उच्च पदाधिकारियों से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा जताई।
भारत ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए यूपीआई के जरिए चीन के अलीपे और अमेरिका के पेपल को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय यूपीआई प्लेटफॉर्म ने इन अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों को मात देते हुए अपनी स्थिति मजबूत की है। फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज आईसी 814 द कंधार हाईजैक विवादों में घिर गई है, क्योंकि इसमें आतंकियों के नाम शंकर और भोला बताए गए हैं। इस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और युवराज सिंह के प्रतिनिधि महेंद्र सिंह धोनी पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर युवराज सिंह को मौके नहीं दिए, जिससे उनका करियर समय से पहले समाप्त हो गया। युवराज ने धोनी को अपने किए गए पछतावे की सलाह दी। युवराज ने धोनी को अपने किए कामों पर पछताने की सलाह दी और कहा कि वे कभी भी धोनी को माफ नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, अर्जीव अंसारी, रामबाबू दास, योगेंद्र यादव, नौशाद रजा, दीपक कुमार, बिपिन राउत, दिलीप कुमार, मोहम्मद अफरोज खान, रजा कुमार, रितेश कुमार, चांदराही। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके जीवन का ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।